देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर वो होते हैं जिन पे फोन करके हम लोग सहायता ले सकते हैं। ये सहायता हर तरह की होती है, स्वास्थ्य, अगर मान लो किसी कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, अचानक आ जाए तो 102 नंबर फोन करेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन, किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो, उसको परेशान किया जा रहा है, ठीक है, तो 198 112 जो है ये पुलिस आपातकालीन सेवा। अगर हमें पुलिस की अचानक कोई जरूरत पड़ जाए और उसकी हमको सेवा लेनी है, 112 है, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। अगर हमें मुख्यमंत्री से शिकायत करनी है और उनसे हमको सहायता लेनी है तो 1076 करेंगे। महिला हेल्पलाइन, किसी भी महिला को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो 181 नंबर पे फोन कर सकती है। 1090 वुमेन पावर लाइन, ठीक है, ये 108 एम्बुलेंस सेवा, ठीक है, जो जैसे मान लो रास्ते में तुम गए, किसी के चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत 108 नंबर फोन करो तो एक एम्बुलेंस आ जाती है सरकार की, है ना, वो उसको लेके जाएगी और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा देगी, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री है। 101 जो है अग्निशमन फायर सर्विस, मान लो आपके गांव में कहीं पे आग लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे 101 नंबर पे फोन लगा दो, वहां से क्या फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आएगी और आपको बुझा देगी, सब फ्री होता है, ये केवल जागरूकता है, ठीक है, इसको अभी आप लोग अपने कॉपी पे लिख भी लोगे, मान लो कभी जरूरत पड़ जाए घर पे तो याद रहे, ठीक है, ये मिशन शक्ति का लोगो है, ठीक है। देखो ये एक लड़की बनी है जो सारी चीजें बता रही है कि इतनी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, तो ये सारे नंबर आप लोग कॉपी पे लिख लेना और इसका कभी भी मान लो आप घर में जरूरत किसी पड़ गए तो उसको बता सकते हो, समझ रहे हो, सबको समझ में आ रही बात,